ओम श्री साई राम। आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहूंगा। खुदा का एक बंदा था जिसका नाम था अबू बिन आदम। अबू बिन आदम एक दिन घर लौट रहा था तो उसकी नजर अपने घर की खिड़की पर पड़ी और उसने देखा कि एक बहुत ही ब्राइट लाइट उसके कमरे से आ रही है। अबू बिन आदम की उत्सुकता बढ़ी, वो अपने घर में गया और उस कमरे में उसने देखा कि एक परी बैठकर एक सोने की कलम से कुछ लिख रही है। अबू बिन आदम ने बड़े अदब से उस परी से पूछा कि आप ये क्या लिख रही और कौन है। उस परी ने बोला, मैं उस मालिक की परी हूं और मैं इस किताब में उन लोगों के नाम लिख रही हूं जो भगवान से प्रेम करते हैं। अबू बिन आदम की उत्सुकता और बढ़ी, उसने उस परी से पूछा, क्या इस लिस्ट में मेरा नाम है। उस परी ने उस लिस्ट को शुरू से आखिर तक देखा और कहा, नहीं, इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है। अबू बिन आदम हताश हो गया और वो परी वहां से चली गई। अगले दिन अबू बिन आदम ने फिर अपने काम को जैसे वो रोज करता था, जैसे वो काम पे गया और वापस आया तो उसने देखा कि फिर से उसके कमरे में एक सुनहरी रोशनी है। उसकी उत्सुकता फिर बढ़ी, वो गया और उसने खिड़की में देखा कि वही परी एक और किताब में सोने की कलम से कुछ लिख रही है। वो अंदर गया और उसने उस परी से पूछा कि आज आप क्या लिख रहे हैं। उसने कहा, इस किताब में उन लोगों के नाम हैं जिनसे भगवान प्रेम करते हैं। उसकी उत्सुकता बढ़ी, उसने कहा, क्या इसमें मेरा नाम है। उस परी ने उसमें देखा और फिर अबू बिन आदम की तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोला कि इस किताब में सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। दोस्तों, अबू बिन आदम ने उस परी से पूछा कि इसमें मेरा नाम क्यों है। उसने बोला, क्योंकि तुम मानव सेवा को मानव सेवा समझते हो और तुम हरेक में उस खुदा का अंश देखते हो, इसीलिए भगवान तुमसे प्रेम करते हैं और इसीलिए इस लिस्ट में तुम्हारा नाम है। दोस्तों, आइए ऐसे ही कुछ साई सेवक जिन्होंने अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया, उनके अनुभव सुनते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले आइए चलते हैं हम ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और मिलते हैं डॉक्टर एस चंद्रा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीरा चंद्रा से। इस परिवार में संगठन में अपनी यात्रा सन 1973 में हिसार हरियाणा से शुरू करी और दोनों पति पत्नी ने संगठन के विभिन्न विंग्स में तन मन धन से सेवा करी। इनकी संगठन में सेवा की यात्रा हिसार हरियाणा से शुरू हुई और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु होती हुई 2005 में दिल्ली पहुंची और आज तक ये दंपति यथाशक्ति सेवा के कार्य में जुटे हैं और भगवान की अनुकंपा के पात्र हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इस दंपति की सेवा के कुछ अनुभव उन्हीं की जुबानी। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सब लोगों को मेरा साई राम। मैं ईस्ट दिल्ली से मिसेज मीरा चंद्रा अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप लोगों के सामने आई। मैं भजन वगैरह में नहीं आती थी और हमारे चारों तरफ बाबा के भजन हुआ करते थे। कुछ ऐसा सुना था कि बाबा के बारे में मेरे ख्यालात अच्छे नहीं थे। एक बार जब मैं वापस आ रही थी तो बहल साहब के यहाँ भजन समाप्त हो चुका था और उनकी बच्ची एकदम सामने निकल के आई और कहने लगी, आंटी आप प्रसाद ले लीजिए। प्रसाद के नाम से मैं उनके पास गई। मैंने बाबा के ऑरेंज चोले में बहुत सारी फोटोएं देखी, प्रसाद लिया। उन्होंने मैन ऑफ मिरेकल की एक बुक दी मुझे और मैं वो लेके आ गई। कुछ दिन के बाद मैंने उसको पढ़ना शुरू किया
वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। मुझे स्वामी के प्रति श्रद्धा और भक्ति के भाव जागे। मैं उनको बारे में सोचने लगी और धीरे धीरे बाल विकास और सेवा के एक्टिविटीज में भी जुड़ गई। एक बार मैं स्वेटर बुन रही थी और मेरे हस्बैंड बुक पढ़ रहे थे, तो मैंने देखा स्वामी वाइट चोले में मेरे बेडरूम के पास आए हैं और उन्होंने दो तीन बार कर्टेन हटाकर झांक के देखा। मैं उठने लगी, फिर सोचा शायद स्वामी चले गए होंगे। सुबह उठ के मैंने बहन साहब से पूछा तो उन्होंने कहा ये उनका डिवाइन चोला है, आप लकी हैं, आपको साक्षात दर्शन मिले। इस तरह मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ता चला गया और धीरे धीरे मेरे हस्बैंड भी इस काम में जुड़ गए, उनको भी बहुत आनंद आने लगा। मेरा नाम है सतीश चंद्र, मैं साइंटिस्ट हूँ और मेरी एक बड़ी खोज आध्यात्म के केंद्र में ये रही है कि मैं स्वामी से जुड़ पाया। जब मैं अमेरिका से वापस आया था तो मेरी पत्नी बाबा के भजन वगैरह में जाती थी, तो उस समय मेरा कोई बहुत रुझान नहीं था इस तरफ। लेकिन एक बार मैं भजन में गया और भजन था भार्गव साहब के यहाँ, उनकी एक रेडियो की फैक्ट्री थी। तो जब मैं भजन में गया तो वो अनुभव मेरा बहुत ही बड़ा महान अनुभव रहा, क्योंकि वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड शांतिपूर्वक, उसके भजन के बाद इतनी शांति मिली जो मैं कभी मंदिरों में जा के जो लोग करते हैं उससे कभी नहीं मिला। इतना स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड और शांतिपूर्वक भजन था कि मैं उससे बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। जब विभूति प्रसाद के बाद लोग चले गए, मैं तब भी वहाँ पर बैठा ही रह गया। भार्गव साहब मेरे पास आए और बोले कि आपने बाबा को देखा? मैंने कहा हाँ, उनके तो एफ्रो स्टाइल है, हेयर स्टाइल है, ऐसे लगता है जैसे उसमें से रेज निकल रही हो। तो वो रेडियो का उनका कारखाना था, तो उन्होंने उसी भाषा में मुझसे कहा कि इनका एक एक बाल जो है वो एक एक एंटेना है, उससे वो सारे जगत की खबर रखते हैं और वहीं से वो संदेश भी भेजते हैं उसी एंटेना से। तो आपके पास संदेश पहुंच गया, अब आप देखिए क्या क्या होता है। और वही हुआ, एक बार हम लोग कमरे में सोने के लिए लिहाफ रजाई वगैरह ओढ़ के लेटे ही थे कि गैलरी में से एक दीपक की लौ ज्योति हौले हौले चलती हुई आई हमारे कमरे में, हमारे लिहाफ के ऊपर, रजाई के ऊपर, एक दो फुट ऊपर आके रुक गई। और मैंने मीरा से कहा कि तुम्हें ज्योति दिख रही है? उन्होंने कहा हाँ। और उसके बाद वो ज्योति हौले हौले वापस हुई और हमारे मकान जो था डुप्लेक्स था, ऊपर बाल विकास बच्चों का कार्यक्रम चलता था, और वो ज्योति सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चली गई। जब मैंने बाहर आकर देखा तब तक ज्योति जा चुकी थी। इतना डिवाइन एक्सपीरियंस और इतना बाबा का संपर्क हमको प्रेरित करता रहा और उसी का परिणाम था कि हमें ऐसे दिव्य दर्शन हुए। एक बार मैं सेवा में कोटापर्ती में, जब सरदारों का मिलिटेंसी चल रहा था, उन्होंने एक गल्ला घेरू कार्यक्रम चलाया था जिसमें वो पानी की टंकी में जहर डालने का उन्होंने धमकी दी थी, तो मेरी ड्यूटी चित्रावती तट पर पानी टंकी के पास लगी। रात का समय होता था, वहाँ पर बड़े बड़े काले काले बिच्छू सांप सब आते थे, तो हमारे लिए फिर एक पेट्रोमैक्स लाइट का इंतजाम किया गया। और एक दिन रात को नाग देवता आए और वो खड़े होकर फन फैलाकर मेरी तरफ देखने लगे, तो मुझे बहुत डर लगा। मैंने बाबा से कहा कि बाबा रक्षा करो, तो वो फन जो था वो अभय हस्त में परिवर्तित हो गया और एकदम मेरा सारा डर खत्म हो गया और मेरे को बिल्कुल सारा अंधेरा सा छा गया, कुछ नजर नहीं आ रहा था सिवाय अभय हस्त के। और इस प्रकार मुझे लगा कि बाबा तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उसके बाद फिर हम सेवा दल से जुड़े, सेवा दल की ट्रेनिंग हुई और बाबर के स्वयं उनकी प्रेजेंस में हम ट्रेनिंग करके आए बेंगलोर, और करनाल में, हरियाणा में हम लोगों ने सेवा दल का कार्यक्रम चलाया। उसके लिए राजेश खन्ना जी हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते थे। उन्होंने एक बार ये कहा कि तुम अकेले नगर संकीर्तन करने के लिए जाओगे, तो मैं भजन गाता था तो मैं अकेला गया और मेरे साथ रास्ते में बहुत से लोग जुड़े, और जब तक आरती की हमने तब तक काफ़ी लोग हमारे संस्था के साथ जुड़ गए थे।
ये सब कार्यक्रम करते हुए हम लोग फिर सेवा में आए, और सेवा में हमने, जैसे बाबा कहते हैं कि साइंटिस्ट ने बहुत कुछ पाया लेकिन मानवता की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाए नहीं, तो हम लोगों ने फिर सेवा करना शुरू किया। मीरठ के पास एक बच्चा जब महाभारत का सीरियल चल रहा था, घर से भाग कर आया था दिल्ली में, उसको नौकरी नहीं मिली, तो मीरा ने उसे अपने पास रखा, बच्चे की तरह पाला, पढ़ाया, रामजस स्कूल में उसके दाखिला करा के आज वो लड़का ठेकेदार है, और ऐसा ठेका करता है जो सबसे अलग है। ये जो हाईवेज के ऊपर सफ़ेद पट्टी डाली जाती है, डिवाइडर लगाया जाता है, पूरे भारत में उसका इस चीज़ का ठेका चल रहा है। इसी तरह से उनकी एक सहेली का लड़का था, उसने बी फार्मा किया, फिर मेडिकल किया, एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया, और आज वो दवाइयों का बड़ा भारी एक्सपोर्टर है। इसी तरह से मीरा भी और हम लोग सब मिलकर वो चला रहे हैं स्पास्टिक बच्चों का स्कूल, जिसमें जो बच्चे अपना हाथ तक नहीं ला पाते थे, आज वो अपने हाथ से खाना खाते हैं। कुछ बच्चों को हमने कॉल सेंटर खुलवाया, कुछ बच्चों का साड़ी का बिजनेस है, किसी का आटे दाल का बिजनेस है। इस प्रकार हम लोगों ने सेवा में बहुत कार्य करा, और ये सब प्रेरणा स्वामी के संपर्क से मिली। आज के जो नौजवान हैं वो भी स्वामी के दो मंत्र अगर याद कर लें और उस पर चल पड़े तो बहुत अच्छा रहे। पहला मंत्र है मानव सेवा माधव सेवा, मतलब मानव में ईश्वर को मानो और सेवा करो, जितना उसका कल्याण कर सकते हो करो, और कल्याण कैसे करो, हेल्प एवर हर्ट नेवर। ये दो मंत्र जो हैं स्वामी के, अगर आजकल के नौजवान लोग अपना लें तो मैं मानता हूँ कि उनका स्वयं का भी काफ़ी उद्धार होगा और समाज का भी उद्धार होगा, और आध्यात्मिक रास्ते पर वो बहुत आगे बढ़ेंगे, अच्छे मनुष्य बनकर जीवन पर्यंत करेंगे। साई राम। मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि पहले जेंट्स लोग आकर के सेवा करके चले जाते थे। एक बार कानपुर से हम बहुत सारी लेडीज आए और टाइम पास करने को नहीं मिलता था, तो अरोड़ा दीदी ने बताया कि तुम सुबह मॉर्निंग में झाड़ू लगा दिया करो, चारों तरफ साफ रहेगा, बलवीर कौर माता जी उधर से निकलती हैं, वो देखेंगी तो खुश होंगी। बस फिर क्या था, हम लोगों ने झाड़ू लगानी शुरू कर दी, वो रोज़ निकलती थी, उनको साफ नज़र आता था। कुछ लोग चपाती बेल में सब्जी काटने में लग गए, जहाँ जहाँ जिसको जो सेवा मिली करने लगे। अब आई बारी सेवा में पाद नमस्कार की। हमारे प्रेसिडेंट ने एक लेटर दिया, रिक्वेस्ट की लेडीज़ को भी सेवा में काम करने से पाद नमस्कार मिली। मैंने भी एक लेटर लिखा, मैंने लिखा कि पाद नमस्कार और सेवा दल महिलाओं को साड़ी स्वामी दीजिए प्लीज़। जब स्वामी पाद नमस्कार दे चुके तो आए यहाँ पे लेडीज़ के लिए, और हम सब लोग गोल घेरा सा बना करके बैठ गए। स्वामी गोल घेरा में आए, सबको विभूति दी, पाद नमस्कार दिए, हम सब लोग बहुत खुश हुए, और तब से और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा के हक में हो गए, काम करने लगे। बहुत काम गांव में जाकर इधर उधर जाकर के हम लोगों ने किया, और तब से ये मैना सेवा दल भी स्टार्ट हो गए। आप लोगों का मेरा साई राम और भगवान को प्रणाम। दोस्तों, हम भगवान से डॉक्टर एस चंद्रा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीरा चंद्रा के स्वस्थ और दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं, और आइए अब आगे बढ़ते हैं। सेवक सेवा में रहे, सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कह कबीर सेवा बिना सेवक कभी न होए। दोस्तों, अब हम चलते हैं इस डिस्ट्रिक्ट की समिति E4 में, और मिलते हैं एक और साई सेविका से। इनका नाम है श्रीमती विपिन मोहन। श्रीमती मोहन पेशे से एक लाइब्रेरियन है और यूनिसेफ और FAO में कार्यरत रही। स्वामी के फोल्ड में सन 1980 में जब इनकी पोस्टिंग इराक में थी तब आई। पहली बार प्रशांति सेवा में 1992 में गई और आज तक सेवा में जुटी है। प्रशांति सेवा में कई बार आंटी के साथ सेवा करने का सौभाग्य
मुझे प्राप्त हुआ और आंटी से सेवा और संगठन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। आइए मुलाकात करते हैं श्रीमती विपिन मोहन से। स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको साईं राम। गुरु का जीवन में बहुत महत्व होता है, यह मैंने मिसेस विपिन मोहन ईस्ट दिल्ली ने स्वामी के फोल्ड में आने के बाद समझा। वैसे तो माँ पहली गुरु होती है जीवन में, पर साईं माया के मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे लाइफ के दरवाजे खुल गए हैं। मेरे ऑर्गेनाइजेशन से 30 साल का साथ है और स्वामी की छत्र छाया में 40 वर्ष से हूँ। कहते हैं जैसे वैष्णो देवी जब तक नहीं बुलाती तब तक आप दर्शन नहीं कर सकते, वैसे ही भगवान के बुलाए बिना आप भी उनके फोल्ड में नहीं आ सकते। जब भगवान ने आपको अपने साथ जोड़ना होता है तो भाव आपके मन में जागृत करते हैं, तब आपका पहला कदम होता है और भगवान 9 कदम खुद लेकर किसी बहाने से आपको अपनी बाहों में ले लेते हैं। हम लोग इराक में 1979 से 89 तक थे, वहाँ किसी प्रकार की पूजा अलाउड नहीं थी। अप्रैल 80 की बात है कि हमें दोस्तों से पता चला कि मिस्टर एंड मिसेस ब्रिगेडियर यशपाल बगदाद में साईं का भजन थर्सडे को अपने घर करवाते हैं। वहाँ सोशल गैदरिंग ज़्यादा अलाउड नहीं थी, तो सोचा जाया जाए। मन में सोचा शिरडी साईं होंगे, तो फ्रेंड्स के साथ गए। उनका हवेली जैसा बड़ा सा घर था, ऊंची ऊंची दीवारें, अंदर बड़ा सा बाग और मंदिर दो बड़े हॉल्स के रूप में। मैंने स्वामी की और शिरडी की साईं फोटो इकट्ठी देखी। हम सब भजन के लिए बैठ गए। मिसेस यशपाल 5 फुट 10 इंच ऊंची हेल्दी लेडी, माथे पे बड़ी बिंदी और चेहरे पर इतना तेज जैसे कोई बड़ी महाअनुभवी हो। मैं अपने को एक छोटी से खोए बच्चे की समान महसूस कर रही थी। मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ था फूलों और लाइट से, जो मन को मोह रहा था। भजन के बाद आरती के लिए सब खड़े हो गए। अचानक मिसेस यशपाल ने आरती के लिए इशारा किया तो मैं देख रही थी कि वे किसे बुलाती हैं। तो मेरी पास वाली लेडी ने कहा कि उनका मेरी ओर इशारा है। मैं एकदम हक्की बक्की रह गई, पता नहीं क्या करना है। सो सबने धक्का मारकर मुझे आगे कर दिया। जैसे ही आरती शुरू हुई तो एक गुलाब का फूल गिर गया। पीछे से आवाजें आ रही थी, अरे फर्स्ट टाइम आई है, आरती मिल गई, गुलाब का फूल मिल गया, स्वामी की कितनी ग्रेस है। मैं अबोध इन सब से अनजान खुश थी, पर इन सब का अर्थ मुझे पता नहीं था। पर दिल में कुछ बातों की बात छाप पड़ गई थी। लेडीज जेंट्स का अलग अलग बैठना, समय के पाबंद से भजन, माथे पर विभूति का तिलक और बढ़िया प्रसादम। मन खिल उठा, यह था मेरा भगवान से पहला इंट्रोडक्शन। उसके बाद भजन में आना जाना शुरू हुआ और हमारे घर में भी हर माह भजन होना शुरू हुआ। जब भी घर छुट्टी पर आते तो स्वामी की फोटोज, मंजारे, ढपली वगैरह ले जाते। 90 तक मैं दिल्ली ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं जुड़ी थी। हमारा ईस्ट दिल्ली आनंद विहार के पास एक प्लॉट था जो मुझे कंस्ट्रक्ट करवाना था। हस्बैंड बाहर थे तो मेरा मकान बनाते समय आनंद विहार आना जाना शुरू हो गया। हमारे एक इराक के मित्र थे जो आनंद विहार में रहते थे, उनके यहाँ भजन होता था, सो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मिली। जून 92 का महीना था, प्रशांति सेवा की तैयारी हो रही थी। अभी तक स्वामी के दर्शन फोटो में ही थे। मैंने सेवा के लिए अपना नाम दे दिया। हमारी ईस्ट दिल्ली की सेवा दल कोऑर्डिनेटर मिसेस भास्करन होती थी। बाहर रहने की वजह से इंग्लिश अच्छी बोल लेती थी, सो वो इम्प्रेस थी। सेवा दल ओरिएंटेशन कैंप लोधी रोड में किसी गवर्नमेंट स्कूल में होना था, मैं भी गई। वहाँ प्रोग्राम शुरू होने वाला था तो मिसेस भास्करन आई भागी भागी कि मिसेस मोहन, जिसने प्रोग्राम कंडक्ट करना था वह तो नहीं आई है, क्या आप कर सकोगे? पता नहीं मैं कैसे मान गई, कभी स्टेज पे पहले बोली नहीं थी।
हमारी स्टेट कोऑर्डिनेटर मिसेस संपत थी, मुझे उनके पास ले गई। 5-10 मिनट में उन्होंने मुझे समझाया कि क्या बोलना है और हम स्टेज पर। पता नहीं क्या बोला, कैसे बोला, बस तालियों की आवाज़ से पता चला कि सब ठीक था और हम छा गए थे। ये सब भगवान करवाने वाले थे। उसके बाद भगवान ने ऐसा स्टेज फेयर दूर किया कि अब जब भी हाथ में माइक आता है तो बोलना शुरू हो जाता है। कई साल ऑर्गेनाइजेशन में ओरिएंटेशन कैंप में बोली, हम कुछ नहीं हैं, केवल माध्यम हैं, करवाने वाले वो हैं। सो पहली सेवा 1992 में अगस्त में अटेंड की। ट्रेन में हम सब जनता क्लास में भजन गाते हुए प्रशांति पहुंचे। एक नया अनुभव था। हम लोग 15 साल बाहर थे, सो यह सफ़र बहुत अच्छा लगा। अपना पंसा अपनों के साथ, वही अचार पूरी, सुराही का पानी, हंसते गाते गाड़ी में हम धर्मावरम पहुंच गए। वहां से बसें लेकर प्रशांति जाना था। रास्ते में हरे भरे खेत और भजनों का मिठास का पता ही नहीं लगा कि कैसे समय गुजर गया। शेड में हमें रुकवाया गया। सुबह की मीटिंग से पहले हम भागे भागे दर्शन के लिए गए। ओपन में दर्शन हॉल था, रेता बिछी हुई थी, हमें बिठा दिया गया। जब भगवान ने को पहली बार देखा तो बिलीव ही नहीं हुआ, मुंह खुला के खुला रह गया। ऑरेंज रूप में एक कृष्ण सा सांवला सिलोना रूप, एक तेज पे चेहरे पे उनके घुघराले बाल चेहरे पे अटखेलियां कर रहे थे। मंत्र मुग्ध सी मैं उन्हें देखती रही। मेरा उनसे यह पहला परिचय था। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ड्यूटी CCU में मिली। वहाँ एल्डरली लेडी की OT में चाहिए ज़रूरत होती थी, नर्सेज और डॉक्टर के साथ रहना पड़ता था। पहली दिल्ली स्टेट की ड्यूटी हॉस्पिटल में थी। समय बहुत अच्छा निकला। साथ में यंग बच्चे थे जो हॉस्पिटल में मिलके हम लोग सब सफाई करते थे। इन सब की मैं मोहन आंटी बन गई थी। सुबह 6 बजे से बस में जाते थे, 7 बजे रात को आते थे। भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, पर हमने हॉस्पिटल में कभी भी उन्हें मिस नहीं किया। लास्ट डे में हॉस्पिटल को शाम को मंदिर में दर्शन के लिए बिठाया जाता था। भगवान आए अंदर तो मैंने उन्हें विराट रूप में देखा। आंखों में आंसू बहने लगे। ऐसे लगा वास्तव में भगवान इतने सुंदर है। मन गदगद हो गया। मैंने आपको खुश नसीब समझा कि उनकी शरण में मैं पहले क्यों नहीं आई। ये सब भगवान अपने द्वारा ही करवाते हैं। अगले दिन हम चरण स्पर्श मिले और उसका अनुभव निराला था। चरण कोमल, नरम, गरम, कमल की तरह छूकर मानो सारी सृष्टि मिल गई। उसके बाद हर साल सेवा के लिए जाती थी। सुपर स्पेशलिटी में ग्रुप लीडर की तरह 10 साल तक काम भी किया। कभी तबीयत ना ठीक होने के कारण सेवा में ना जा पाई, पर भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा अपने साथ जोड़ें। 1996 में ऑल इंडिया गुरुज की मीट थी व्हाइट फील्ड बेंगलोर में। हमें टेंट्स में ठहराया गया। ईस्ट दिल्ली के गुरु इकट्ठे थे। हम लोग सुबह पहुंच गए थे, सो भगवान के दर्शन हो गए थे। शाम को जब दूसरी ट्रेन दोपहर को पहुंची तो शाम के दर्शन का टाइम हो चुका था। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी थी, मैं बाहर टेबल के पास बैठ गई और सबसे कहा कि सामान यहीं रख दो, दर्शन करा। सब लोग सामान छोड़ गए और मैं अकेली बैठी वहां थी। सब दर्शन के बाद आए और मुझे धन्यवाद किया। रात को हमारी मीटिंग थी। किसी एक मेल और फीमेल स्पीकर को सिलेक्ट करना था। पता नहीं कैसे मेरा नाम चुना गया। दिल्ली स्टेज से हमने रात को बैठकर लिखा जो बोलना था। सुबह स्टेज पर जाना था। लाइन में बिठाया गया। कुछ स्पीकर्स अपनी लैंग्वेज में बोल रहे थे। उतनी देर में जो स्पीकर्स थे पॉइंट बोल रहे थे, उषा दीदी उसको काटती जा रही थी, डिलीट करती जा रही थी। जब मेरी बजे आई तो मेरे साथ वाली लेडी ने मुझे बोला, प्लीज स्पीक क्लियर, लाउड एंड स्लो। बस यही मुझे बातें याद थी। मैं स्टेज पर गई और बोलने लगी। ना चेयर को प्रणाम किया, ना इधर उधर देखा। जब बोल रही थी तो स्वामी कर्टन हटाकर स्टेज पर आ गए
मुझे पता नहीं, मैं बस बोलती जा रही थी, दिमाग में वही तीन बातें घूम रही थी। खूब तालियां बजी, मतलब सबको पसंद आया। पर जब लोग कहने लगे कि अरे तुमने भगवान को प्रणाम की नहीं किया, तुमने कुर्सी को नीचे झुक के नमस्कार नहीं किया, तब मैं रोने लगी। दोपहर को मिसेस मीरा चंद्रा मुझे एक श्रीलंकन महंत जी के पास ले गई। तब मेरी ड्यूटी सुपर स्पेशलिटी में लगती थी, किसी बच्चों को आँखों का ऑपरेशन करवाना था, सो मुझे उन्होंने स्वामी का गाउन दिया। फिर हम कैंप्स में आ गए। हमें अगले दिन दिल्ली जाना था, बस की बुकिंग करनी थी। पता नहीं कैसे मैं अपने ग्रुप की बुकिंग कराने गई, तो 50 लोगों के लिए एडवांस टिकट्स ले लिए। अगले दिन बेंगलोर में बस की स्ट्राइक हो गई, अब कोई बस ही नहीं आई। बट विद स्वामीज ग्रेस, जिस बस को मैंने टिकट ली थी वो बस आ गई। टिकट 50, बंदे 100, किसी तरह हम सब खड़े उस बस से स्टेशन पहुंच गए। बस फिर क्या, सब थैंक्स कर रहे थे। उस टाइम उमा नंदा दीदी स्टेट कोऑर्डिनेटर थी। जब एनुअल मीटिंग हुई तो मुझे महिला कोऑर्डिनेटर ईस्ट दिल्ली बनाया गया, जो मैं कई साल रही। सो हिज ग्रेस बाय कमिंग ऑन स्टेज ड्यूरिंग माय टॉक, गिविंग मी गाउन एंड देन गिविंग माय रिस्पॉन्सिबल जॉब ऑफ महिला कोऑर्डिनेटर वॉज हिज स्पेशल गिफ्ट। आई थिंक इनोसेंट्स आर ऑलवेज ब्लेस्ड। कई बार भगवान ने अपनी ग्रेस से ब्लेस किया है। उषा दीदी के वजह से 2 times इंटरव्यू भी मिला, स्वामी ने डायमंड रिंग हस्बैंड के लिए दी, इंटरव्यू में बहुत ब्लेस किया। अभी पिछले साल मैं 5 महीने हॉस्पिटल में थी, 5 times भगवान ने मेरी लाइफ बचाई। जब साईं राम फोर्ड में आई हूँ, राम राम कहना भूल गई हूँ, बस अब साईं राम ही मुँह से निकलता है। यहाँ तक कि माँ की जगह भी साईं राम, पर मैं बताऊँ उनकी बहुत कृपा है, और यदि आप साईं राम कहोगे तो वो भागे ही चले आते हैं। अंत में एक एक्सपीरियंस बताऊंगी। मेरे बेटे ने 1992 में 12वीं की क्लास पास की थी, इंजीनियरिंग करना चाहता था, एंट्रिंग एग्जाम्स दिए, 2 जगह नाम आ गया, पर उसे वो फील्ड पसंद नहीं थे। सो मणिपाल में उसका मैंने फॉर्म भर दिया। अब एडमिशन के लिए मेरे फादर ने 50,000 का ड्राफ्ट बनाया, जो फ्लाइट के लिए वो फ्लाइट लेके चले गए। मेरी मदर बिस्तर ठीक कर रही थी तो उन्हें ड्राफ्ट पिलो के नीचे मिला। मैं और मेरा बेटा नाइट क्लोज में थे, तब मोबाइल तो होते नहीं थे, अब करें तो क्या करें। हमने टैक्सी मंगवाई और एयरपोर्ट के लिए निकल गए। पुरानी टैक्सी, ड्राइवर बूढ़ा, रास्ते में ट्रैफिक। हम उसे कहें भैया जल्दी जल्दी चलो, तो वो कहे मैं हवाई जहाज तो है नहीं। खैर साईं राम करते एयरपोर्ट पहुंचे, तब एंट्रेंस के लिए टिकट लेना पड़ता था, पर ये क्या, दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर गए, काउंटर पे पूछा, अभी फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया था। उन्हें बात करी तो हमें वो लोग कंट्रोल रूम में ले गए, वहाँ कोई नहीं जा सकता, पर भगवान की ग्रेस थी, उन लोगों ने प्लेन से मेरे फादर से बात करवाई कि आपकी बेटी आई है और आप ड्राफ्ट यहाँ रह गया है। प्लेन से एयर होस्टेस आई कंट्रोल रूम में और वो ड्राफ्ट लेके गई, और पहुँच कर फोन पर हमसे बात करवाई कि ड्राफ्ट मिल गया है। जब फादर मैंगलोर पहुँचे तो सारी सीट्स खत्म हो गई थी, फादर अपसेट हो गए। काउंटर पे कहा गया कि आप शाम तक वेट कर लो, शायद कोई सीट कैंसिल कर दे। सो 4 बजे फादर जब दोबारा काउंटर पे गए तो वहाँ ऑफिसर ने कहा, कालिया साहब मुबारक हो, एक सीट कैंसिल हो गई है, चेन्नई के लड़के को IIT में सीट मिल गई है, अब आप और ग्रैंडसन ज्वाइन कर सकते हैं। सो ब्लेसिंग्स आर ग्रेट, माय सन हैज डन हिज मास्टर्स इन स्टेट्स एंड हिज सेटल डाउन देयर। एक्सपीरियंसेस तो बहुत हैं, समय बहुत कम है, उस बातें अगली बार के लिए छोड़ देते हैं। सो आई वुड से सरेंडर योरसेल्फ टू लॉर्ड एंड ही विल टेक केयर ऑफ यू, बट हैव फॉलो हिज 5 Ds, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड रेस्टिंग एंड डिटर्मिनेशन। अबव ऑल लव thy fellow, स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव। समस्त लोगा सुखी हो भवंतु, समस्त लोगा सुखी हो भवंतु। थैंक यू साईं राम, ब्लेस यू ऑल। दोस्तों, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखत न कोई, जो रहीम दीन नहीं लखे
दीन बंधु सम होए, अर्थात दुखी व्यक्ति संपूर्ण जगत की ओर देखता है परंतु दीन की ओर कोई नहीं देखता। कवि रहीम कहते हैं कि जो दुखी व्यक्ति को देख लेता है, उसकी ओर मदद का हाथ बढ़ाता है, वह दीनों के मित्र ईश्वर के समान हो जाता है। आइए मिलते हैं ऐसी ही एक दंपति से, श्री विजय कुमार अप्पा दोरई और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजेश्वरी विजय कुमार से। श्री विजय कुमार साइनफोल्ड में 1980-81 में आए और इनकी पत्नी इस फोल्ड में 1986-87 में आई। पहली बार प्रशांति निलयम में भगवान के दर्शन 1906 में हुए, तब से सेवा में जुटा हुआ है ये परिवार। समिति E5 में रहते हुए श्री विजय कुमार ने सेवा के कई कार्यक्रमों में अपना योगदान दिया और इनकी पत्नी ने बाल विकास गुरु और भजन सिंगर के रूप में सेवा में योगदान किया। आइए इस दंपति से मुलाकात करते हैं और इनके अनुभव सुनते हैं। जय राम, भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और हमारे भाई बहनों को नमस्कार। मैं 1980 में भगवान के फोल्ड में आया। हमारे नेबर में भजन फर्स्ट को भजन हुआ करते थे और आंटी हमें बहुत कहती थी कि आप भजनों में आइए। हम भजन में जाते थे तो हमें उनकी पूरी तरह भगवान के दर्शन हुआ करते थे। उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि हम पुट्टपर्ती जाए और भगवान के दर्शन करें। हम 1996 में हमें पुट्टपर्ती जाने का मौका मिला और वहाँ पे दर्शन पाने के लिए हम जब लाइन में खड़े थे, भगवान सामने से आ रहे थे। मैं उनके चरणों के तरफ ही अपना ध्यान एकत्रित करके बैठा था और उनके चरण स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा था। भगवान मेरे सामने आके खड़े हुए, उन्होंने मुझे विभूति प्रदान की और आशीर्वाद दिया। भगवान कहते हैं कि आप मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। तात्पर्य ये है कि भगवान के ध्यान करें तो भगवान तुम्हारे सारी इच्छाएं पूरा करेंगे। भगवान हमें ये भी सीख देते हैं कि लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर। भगवान की तरफ हम ध्यान दें और हम सेवा में ध्यान दें। सेवा में मेवा में है, यही है भगवान ने हमें सीख दी है। हम जब IT एक्सटेंशन में आए तो हमें मिस्टर TS भाकुनी और मिस्टर एम बी लाल जो हमारे कमेटी कन्वेनर थे, उन्होंने हमें बहुत प्रेरणा दी और हमें सेवा में अपने आप को ढाला। हम जब सेवा में पूरे लीन होते थे तो उन्होंने हमें सारे बहुत कार्य हमें सेवा में करने का मौका दिया और हम भगवान की तरफ खींचे चले आए। मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ भी कुछ बोले। साई राम, मैं साई फोल्ड में कैसे आई वो अपने आप में एक अमेजिंग बात है। अमेजिंग इसलिए कि क्योंकि हम बचपन में स्वामी के बारे में कभी कुछ अच्छी बातें कभी सुनी नहीं है, इसलिए हमेशा मन में उनके प्रति एक नेगेटिव इम्प्रेशन भी हुआ करता तो। लेकिन इसके बावजूद हम स्वामी के फोल्ड में आए तो दैट वॉज एंटायरली स्वामीज विल। तो एंड जैसे इन्होंने कहा था, हमारे नेबर्स जो पुराने डिवोटीज हैं उनके घर में भजन हुआ करता था। मैं कभी कभी भजनों को भजन अटेंड करती थी क्योंकि उस टाइम आई यूज्ड टू बी वर्किंग एंड बाल विकास भी हुआ करता था, तो बेटे को कभी कभी ले जाया करती थी। इस तरह से एक स्लो पेस में हमारा एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ था। फिर जब पहली बार हम स्वामी के दर्शन के लिए हम प्रकृति गए थे, उस टाइम मेरे को मुझे एक सीवियर हेल्थ इश्यू हुआ करता था। तो जब स्वामी ने विभूति क्रिएट करके उनके हाथ में दिया था और हम दिल्ली वापस लौटे थे, उसी रात को मुझे ये प्रॉब्लम बड़ी सीवियरली होने लगा और रात को मैं नींद में ही रो रही हूँ। मैं स्वामी को बुला रही हूँ, स्वामी से प्रार्थना कर रही हूँ, स्वामी प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज हेल्प मी। स्वामी फिर बार बार बोल रहे हैं, द हेल्प इज ऑलरेडी विथ यू, द हेल्प इज ऑलरेडी विथ यू, स्वामी बोल रहे हैं।
अचानक फिर मैं रात को 12 बजे उठी तो मुझे ध्यान में आया कि स्वामी ने हमें विभूति क्रिएट करके दी है। तो तुरंत उस विभूति करके मैं 3 चुटकियाँ मुँह में डाली, तो ऐसे जैसे ऐसे प्रॉब्लम हुई नहीं, इस तरह से एकदम से स्वामी मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई। और उसके बाद कभी भी इतनी सीवियरिटी से मैंने कभी भी प्रॉब्लम को वो महसूस नहीं किया है, और कभी कभी हल्का 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 से हुआ करता है। फिर जब मैंने जॉब छोड़ दी तो आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन भजन फुल फ्लेज्ड वे। तो मैं इस दौरान मैं मुझे भजन भी मुझे मन में इच्छा हुई कि मैं भजन गाऊँ, तो काफ़ी भजन सीखने लगी थी। फिर कुछ साल ऐसे चला तो डॉक्टर भाकुनी ने बोला था कि तुम बालिका गुरु बन जाओ। तो जैसे सब लोग डरते हैं मैं भी डर गई, कि मुझे मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं बनना, मुझे कुछ आता नहीं है। तो लेकिन स्वामी ने ऐसे हालात भी ऐसे उत्पन्न किया है कि जैसे तैरना तो आता नहीं है, लेकिन स्वामी ने उठा के धड़ाम करके मुझे स्विमिंग पूल में डाल दिया, तो अभी तो करना ही तैरना ही। तो इस तरह से बालिका गुरु बनी। तो इस दौरान काफ़ी कुछ मुझे व्हाट आई गेन्ड आउट ऑफ बाल विकास मैं बयान ही नहीं कर सकती, बहुत कुछ मिला है। और जब इस दौरान मुझे स्वामी से भी काफ़ी गाइडेंस मिला है, और बाल विकास सीनियर गुरुज हैं और भटना गारंटी हमारे मेंटर हैं, उनकी मेंटरिंग से काफ़ी काफ़ी बड़ी थी। और जब मैं क्लास बच्चों की क्लास करके मैं जब घर लौटती थी, आई यूज टू बी इन अ टोटली डिफरेंट प्लेन, आई यूज टू लिटरली फ्लो कि उस लेवल से फिर नीचे जमीन पे आना है तो काफ़ी समय लगता था मुझे। और जब बच्चों के सामने मैं जो भी बोलती थी मुझे बाद में मुझे हमेशा हैरानी होती थी कि मैं ये सब बातें मुझे कैसे आती, मुझे पता नहीं है इन सब चीज़ों के ज्ञान मुझ में मेरे अंदर है कि मुझे पता ही नहीं। तो स्वामी वहाँ पे बैठे स्वामी सब कुछ दे जाते। तो इस दौरान मैं वेदम भी सीखा है हमने, और फिर वे बैक इन 2012 हमें फिर काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, वी यूज टू बी मेंटली डिस्टर्ब। तो उस टाइम मुझे स्वामी लगातार 6 महीने के लिए लगातार स्वामी एवरी फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ ही यूज्ड टू कम इन माय ड्रीम्स एंड काफ़ी मुझे गाइडेंस देते थे और स्ट्रेंथ भी काफ़ी देते थे। और उस दौरान भी स्वामी ने बोला कि विष्णु सहस्त्र नाम चैंट करो, सिर्फ चैंट करना नहीं उसके उसको पढ़ो, उसके मीनिंग पढ़ो, उसके गूढ़ अर्थ समझना है करके स्वामी ने बोला था। तो स्वामी को इसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम हम चैंट भी करने लगी और उसको पढ़ने भी लगी, उसके गीत भी पढ़ने भी लगी। और कहते हैं ना कि गीता में कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादय, कहने का मतलब है कि लाइफ में हम अपने आप को ऊपर उठाना है ना कि पतन में डालना है, लेकिन हम स्वामी के फोल्ड में आ गए तो पतन की बात है ही नहीं, आगे हमें ऊपर उठाना अपने आप को ऊपर उठाना ही है। तो इस दौरान भी स्वामी ने ही कुछ हमें गाइडेंस दिया है, पहले तो भजन्स में हमें लाए, भजन्स गाने लगी, फिर स्वामी ने सोचा नो नो दिस इज नॉट इनफ फॉर मी, देन ही ब्रॉट मी इनटू बाल विकास। कुछ साल बाद फिर स्वामी ने सोचा दिस इज नॉट इनफ फॉर मी, तो फिर ही सही ही गाइडेड अस इनटू द पाथ ऑफ मेडिटेशन इन सच अ वे। वो भी कैसे हुआ हमें पता नहीं, इतनी ब्यूटीफुली स्वामी उसमें हम लाए थे, हमें लाए थे। और स्वामी इस दौरान हमने स्पिरिचुअल ग्रोथ में हमने यही सीखा है कि वॉट एवर हैपन्स इज फॉर द गुड, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और स्वामी कहते हैं ना कि मनी कम्स एंड गोस, मॉरेलिटी कम्स एंड ग्रोस। तो हमें लाइफ में स्वामी ने सब कुछ दिया है, हमारे कोई मटेरियल वॉन्ट्स है ही नहीं। हमारी प्रार्थना यही है कि स्वामी के हमेशा आप हमारे स्वामी का रूप हमेशा हमारे रहे,
और स्वामी के का नाम ही हमने हमेशा हमारी जबान में रहे, हम बात में स्वामी हमेशा रहे, यही हमारा प्रार्थना। दोस्तों, भगवान से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि इस परिवार को स्वस्थ जीवन और दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे ये इसी तरह सेवा में जुटे रहें। सेवक फल मांगे नहीं, सेवक फल मांगे नहीं, सेव करे दिन रात, कह कबीर दा दास पर काल करे नहीं घात। अर्थात प्रभु का सेवक कुछ भी फल नहीं मांगता, वह केवल दिन रात सेवा करता है। कबीर का कहना है कि उस दास पर मृत्यु या काल भी चोट या नुकसान नहीं कर सकता। दोस्तों, आइए मिलते हैं ऐसे ही एक सेवक श्री टी आर एन राव जी से। श्री राव समिति E5 के कन्वीनर हैं और 1990 से साईं परिवार से जुड़े हैं। वैसे तो पेशे से केमिकल इंजीनियर हैं, पर साईं सेवा दल कहलाने में ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। आइए मुलाकात करते हैं श्री टी आर एन राव से और उनके अनुभव सुनते हैं। श्री साईं राम, स्वामी के चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम आप सबको, प्यार भरा साईं राम। मैं टी आर एन राव ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बेसिकली मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ, पहले इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम करता था, आजकल जो है ग्रीन मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट में फ्रीलांस काम कर रहा हूँ। मेरा साई परिवार से जुड़ना ये स्वामी का ही परिकल्पना है। मूल रूप से आंध्रा का रहने वाला, तेलुगु बोलने वाला, और मेरा परिवार के साथ जोड़ने के लिए स्थान जो है श्रीनगर काश्मीर चुना है स्वामी ने। 1989 में मैं वहाँ पे नौकरी करता था और आप सबको याद होगा 1989 में वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत ही चरम सीमा में थी। वहाँ पे परिस्थितियाँ बहुत अस्त व्यस्त थे, रोज कर्फ्यू, बॉम्ब ब्लास्ट, इससे हमारे को गुजरना पड़ता था। ऑफिस आना जाना हर दिन बड़ी मुश्किल से हम गुजरते थे। तो उन्हीं दिनों में मैं टेररिस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में क्रॉस फायरिंग में फंस गया था, मगर मैं बच गया। वैसे ही मेरा परिवार एक दिन एक बॉम्ब ब्लास्ट से बच गए थे और ऐसे ही परिस्थितियां बहुत विषम होने लगा। फैक्ट्री क्लोज हो गई, हम सब हमारे को वहां से नौकरियां छोड़ के बाहर जाना पड़ा। यहां तक कि हम लास्ट जिस दिन हम एयरपोर्ट आ रहे थे उस दिन भी जो है हमारे को हमारे बस पे जो है टेररिस्ट अटैक किए थे, हमारे सामान सारी लूट गए, खाली हाथ बिल्कुल हम दिल्ली आए थे। पूरा जमीन स्तर से हम जिंदगी फिर से शुरू किया। बस उन्हीं दिनों में स्वामी का एक दयाकरण हमारे ऊपर प्रसारित हुआ। एक अनजान व्यक्ति हमारे को मिलते हैं और शिरडी साई का फोटो देखे हमारे को कहते कि आज से साई को मानो, आपका सब कुछ ठीक होगा। तो उसी दिन मैं हंस भी मैं इस सोच में ये कहता हूँ कि उस समय मेरे मन में एक सोच आया था, शिरडी साई का अवतार आजकल अभी सच साई के रूप में दुनिया में है। तो ये कह के हम साई परिवार के साथ जुड़ गए थे। बस वही एक ऐसा मोड़ मेरे को जिंदगी में मिला है, मेरा मैं मतलब उस मोड़ को कभी भी जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। वो प्यार मिला साई परिवार का, हर मुश्किल हर मुसीबत में मेरे को साई परिवार साथ देने लगा, मुश्किलें टलते गए। तो हमारे को मेरे को खास करके साई परिवार का प्यार, साई परिवार का अनुशासन और आपसी संबंध बहुत ही आकर्षित करने लगा। हर काम, हर साई कार्यक्रम हमारे को इतना श्रद्धा से, इतना भक्ति से करने में आनंद मिलता था, इतना परिपूर्ण आनंद। मैं एक उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, उन दिनों में गाजीपुर में एक मेडिकल कैंप और बाल विकास क्लास चलती थी, उसको पूरा परिवार, हम कम से कम कुछ भी नहीं तो हमेशा 7 या 8 परिवार पूरा खाना बांध के ले जाते थे, एक पिकनिक की तरह मनाते थे। एक तरफ मेडिकल कैंप चलता था, एक तरफ बाल विकास की क्लास उन दिनों में मिसेस फाकुनी आंटी लेती थी। और मतलब उस दिन अगर कोई भी संडे अगर हम नहीं जा पाए तो हमारे को लगता था यार कुछ हमने खोया है। मतलब उस
सेवा कार्यक्रम को हम इतना आनंद पाते थे, इतना आनंद पाते थे, मैं कह नहीं सकता कोई शब्द। ऐसा ही 1994 में हम पूरा परिवार सबसे पहली बार जो है हम प्रशांति सेवा में गए थे। तो वहाँ की प्रशांति सेवा, वहाँ की जो है पावन भूमि का परिसर, उसके वहाँ के अनुभव, वहाँ के जो भी जितना भी होते थे, इतना मेरे को अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि हमारी श्रद्धा भक्ति जो है दुगुना हो गई। पहली बार जब स्वामी का दर्शन करके एक अलौकिक आनंद, इतना मैं क्या कहूँ, वैसा कहता था कि ऐसा मेरे अंदर एक स्वामी का दर्शन के बाद लगता था हाँ मेरा हर मुसीबत हर काम करने वाला कोई है, मेरा ध्यान रखने वाला कोई है, ऐसा एक सोच है। ये सिर्फ सोच नहीं, मेरा पूरा अनुभव हुआ। हर लौकिक काम जैसा मेरा बच्चों का पढ़ाई, मेरा ऑफिस के टेंशन्स, जो भी दिक्कतें आती थी, हर चीज़ ऐसा टलते गए, ऐसा टलते गए। हर मेरा प्रयत्न सफलीकृत होता था, हर मेरा काम जो है ऐसा निकल जाता था कि बस ये मैं ये कहूँगा कि सिर्फ सिर्फ स्वामी का ही अनुग्रह है। तो फिर ऐसा ही एक अनुभव और मेरे को 1995 में आया। ये बहुत ही मेरा जिंदगी में इतना मुख्य अनुभव है कि 1995 में हम स्पास्टिक बच्चों को लेके स्वामी के दर्शन के लिए गए थे। दया सिंधु स्वामी हमारे को एक घंटा इंटरव्यू प्रदान किए थे। उस समय स्वामी जब प्रसाद बांट रहे थे, वो प्रसाद का थाली लेके स्वामी के चरणों के साथ साथ चलने का ऐसा सौभाग्य मुझे मिला। बस चलते चलते स्वामी उस समय मेरे से कहे कि साई तुम्हारे साथ है। इसका जो है सही अनुभव, मैं सही अर्थ मेरे को तब समझ में आया। 2007 में मेरे एक दुर्घटना में मेरा स्पाइनल इंजरी होके डॉक्टर से ये बोले कि तुम्हारा निचली हिस्सा पूरा पैरालाइज हो जाएगी और तुम जिंदगी भर व्हीलचेयर में रहना। स्वामी को ये मंजूर नहीं थी कि 6 फुटा राव को जो है व्हीलचेयर में बिठाना। तो बस मैं कैसा हो कहते तो बहुत लंबा बात होगी, वो कभी फिर मैं आपसे शेयर करूँगा। सिर्फ और सिर्फ स्वामी का अनुग्रह से ही मैं पूरा बिल्कुल ये जो लंबा चौड़ा राव को आप देख रहे हैं पूरा जो है स्वामी मेरे को खड़ा किए हैं। ये है स्वामी का अनुग्रह। और यही नहीं, मैं एक और चीज़ में स्वामी मैं साई परिवार में आने के बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैं बताया था मैं साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ और बचपन से हम रिचुअल्स बहुत करते थे, कोई भी मतलब सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र, पूजाएं बहुत करते थे, बट उसको हम सही अर्थ जो है कभी नहीं समझे, बस करना था करते थे। साई परिवार में आने के बाद आध्यात्मिक जीवन क्या है, मानव जीवन का मूल्य क्या है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, असली आध्यात्मिक साधना क्या है, वो जितने भी हम मंत्र वगैरह पढ़ते थे उनकी सही अर्थ पाने का जो है मौका मेरे को स्वामी का अनुग्रह और जो सनातन सारथी पढ़ के स्वामी के दिव्य प्रसंग सुन के मुझे अनुभव हुआ है। ये बहुत ही बड़ा मेरा जिंदगी के लिए बहुत ही इतना अनमोल अनुभव है, मैं वर्ड्स में मैं कह नहीं सकता, शब्द नहीं है। ये है मेरा साई परिवार के साथ और स्वामी का अनुग्रह का एक आनंद मैं शेयर करना चाहता हूँ। और ये सब पाने के बाद मैं साई युवा सेना को ये संदेश देना चाहता हूँ। जैसा कि इसके साथ पहले एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ, जैसा त्यागराज स्वामी संगीत के मूल पुरुष हैं, वो एक बात कहते तेलुगु में, रामुनि वारलमु मेमु मा अम्मा सीतम्मा मा अय्य रामय्य। वैसा ही हम, इसका मतलब ये है कि मैं राम का परिवार का हूँ, वैसा ही हम साई परिवार के, हमारा परिवार इतना बड़ा है पूरा दुनिया में फैला हुआ, उस परिवार को हम बिलोंग करते हैं। तो युवाओं आप इस बहुत ही सौभाग्य से आप हमारे संगठन से जुड़े हैं। मैं जैसा मैंने कहा मेरा
परिवार को साई परिवार से जो है प्यार मिलके ऐसा पूरे के पूरा जो है इतना ऊपर उठे हैं जिस जमीर से जैसा मैंने कहा। और आप भी आपस में प्यार बांटो और मेरे जैसा परिवार को और साई संगठन में जोड़ो और साई संगठन को इतना आगे ले जाओ, इतना आगे ले जाओ कि जैसा स्वामी कहते हैं लव ऑल सेल्फ ऑल। इस संदेश को साकार करो साई राम। दोस्तों ये मन तापो दीजिए, साचा सेवक होए सिर ऊपर आरास है तो ना दूजा होए। अब हम मिलते हैं ऐसे ही एक सेवक जिन्होंने सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। ये हैं श्री राजीव महेश्वरी समिति E4 से। भगवान की असीम कृपा इन पर और इनके परिवार के सदस्यों पर है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे इस संगठन से जुड़ने वाले श्री राजीव महेश्वरी ही हैं। आइए मिलते हैं श्री राजीव महेश्वरी से और सुनते हैं इनके अनुभव। सभी साई परिवार के सदस्यों को मेरा प्यार भरा साया। मेरा नाम राजीव महेश्वरी है। मैं श्री हरीश सालवे जो इंडिया के लीडिंग लॉयर हैं उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट में कार्य करता हूँ। मेरा स्वामी से मिलना एक बहुत बड़ा मिराकल है। स्वामी के सानिध्य में किसी को भी आना एक बहुत बड़ा मिराकल होता है। स्वामी की मर्जी के बिना, स्वामी की इच्छा के बिना कोई भी की स्वामी के साथ नहीं जुड़ सकता। ये मेरे कष्ट का प्रसाद कह लो या मेरे कुछ पूर्व जनों के पुण्य का साथ कह लो कि मेरे को भगवान का सानिध्य मिला। मैं भगवान को दूर दूर तक भी नहीं जानता था क्योंकि मेरी जन्म स्थली मथुरा वृंदावन रही है। तो मथुरा में वृंदावन में बाबा ही बाबा है। जिस समय मेरा ये कष्ट का दौर चल रहा था उस दौरान मेरा परिवार, मेरी बहन बड़े कष्ट से गुजर रही थी। मैं भी, मेरे साथ ही बड़े कष्ट का समय था। पर सभी ने, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा यहाँ जाओ, किसी ने कहा वहां जाओ, पर हम कुछ नहीं समझ आ रहा था कि हमें कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। और किसी ने फिर भगवान बाबा का नाम लिया कि आप वहां जाओ, टूटा पट्टी जाओ, वहां आपके सारे कष्ट दूर होंगे, एक बार जाकर के देखो। एक हमें सज्जन मिले, सहारनपुर के गांव के थे। उन्होंने बड़ा ही हमसे निवेदन किया कि आप वहां जाएं, मेरे कहने से एक बार जाएं। उस दौरान हमने कहा कि हम मथुरा में वृंदावन में बाबाओं को देखते आ रहे हैं, वहाँ बाबा साधु बहुत हैं, वहाँ मिराकल करते रहते हैं, ये भी एक ऐसे चमत्कारी बाबा होगा जिससे कोई सिद्धि, जिनको कोई सिद्धि प्राप्त होगी। सारे मेरे माँ बाप यही मानते थे, परंतु मेरा विश्वास थोड़ा सा अलग चला गया और मैं बाबा के पास जाने के लिए मेरा मन बन गया। मैं मन ही मन में भगवान से प्रेयर करने लगा कि हे भगवान, यदि आप हैं तो हमको आप अवश्य बुलाएं। एक दिन ऐसा मौका आया कि हमें आदेश मिला कि सहारनपुर से मेरी बहन के घर से एक आदेश आया कि हमारी चार टिकट करा लो राजीव, हमें हुटापट्टी जाना है। तभी मैंने उनसे आग्रह किया मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इस पर वो बहुत खुश हुए, राजीव आप भी चलोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हम बाबा के यहाँ 1 जुलाई 1990 में हम बाबा के यहाँ पहुंचे। हमने वहाँ इतना अथा भीड़ देखी और वहाँ हम सबको ही साई राम साई राम साई राम, हमें कुछ समझ नहीं आया। हम वहाँ 12 दिन रहे। 12 दिन तक स्वामी ने हमारे किसी भी सदस्य से ना लेटर लिया, ना कोई पाद नमस्कार दिया, ना ही कोई विभूति दी, जिसमें कि सभी जो जैसा हमें बताया गया था कि हमें विभूति मिलेगी, ऐसे कष्ट दूर हो जाएंगे, पर कुछ भी नहीं हुआ। 12वें दिन हम हार करके जब हम चलने वाले थे तो उसी दिन स्वामी मेरे को जो मेरी लाइन का टोकन मिला, फर्स्ट टोकन मिला, मैं आगे लाइन में बैठा हुआ था तो स्वामी एकदम चल करके सीधा मेरे पास आए और उन्होंने थोड़ा सा अपना रोप उठाया
और चरणों के सामने मैं बैठा हुआ था। मैंने बाबा के चरणों में नतमस्तक हो, मेरी से आवाज तो निकली नहीं, मैंने बाबा के चरण छूता गया। चरण छूने के बाद बाबा ने एकदम देखा तो बाबा ने हाथ घुमाया और विभूति सज्जित करके मेरे को हाथ में दी और मेरे से लेटर भी ले लिया। मेरे जो परिवार के 5 सदस्य जो सुबह या शाम बैठते थे, किसी से भी कुछ नहीं लिया। जैसे बाबा ने एक बच्चे को टॉफी दे दी, उस टॉफी के सहारे मेरी आज तक वो टॉफी खत्म नहीं हुई। मैं आज उस टॉफी का आनंद अभी तक ले रहा हूँ। जब हम आए, मैंने स्वामी के लिए अपनी सिस्टर के लिए विभूति मांगी थी, वो सिस्टर के लिए विभूति दी। सिस्टर इतने कष्ट में थी कि स्वामी जो उसको स्पाइनल कॉर्ड में मैलफॉर्मेशन था, जो कि एक इंडिया के अंदर वो 5वां 6वां केस था, मैंने उससे इसको आकर के विभूति दी। सभी लोग प्रसन्न हुए, हम वहां से चल दिए। हमने चल करके हम आ गए, हमने कुछ इतना वो भी नहीं किया। चलो ठीक है, बाबा ने टॉफी दे दी, बाबा ने हमें विभूति दे दी, बाबा ने हमारी ये सुन ली। पर वहां से आने के बाद स्वामी का जो चित्र था दिमाग से गया नहीं, वो सने सने वहां अटैक करता रहा। स्वामी के पास आने के लिए, बार बार आने के लिए प्रेरित करता रहा। जो भी मैंने अर्जित किया अपने जीवन में, वो सब स्वामी की ब्लेसिंग की वजह से ही मेरे को मिला। मेरे को जीवन साथी, मेरा मकान, सब कुछ भगवान की कृपा से मिला। मैं किस मुझे नहीं मालूम मैं इस लायक था कि नहीं, पर मेरे को सब स्वामी ने ये सब मेरे को दिया। मेरे को इतना बड़ा परिवार दिया कि मैं अपने निजी परिवार को भूल गया। साईं परिवार इतना बड़ा मिला मेरे को, मैं अपने निजी परिवार को भी भूल गया। स्वामी के पास मेरी हर समय ललक यही लगी रही, लगन रहती थी कि मैं स्वामी के पास किस तरह पहुंचाऊं। जब शादी हुई तो स्वामी से मैं कहता रहा, वो डेली प्रेयर करता, स्वामी मेरे को अपने आशीर्वाद के लिए बुलाओ, अपने आशीर्वाद। एक दिन स्वामी ने ड्रीम में आकर के बोला, फुटाफटी आओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैं उस दौरान, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं उस पीरियड को 2 महीने तक मैं वेट किया, और 2 महीने के बाद जब मैं फुटाफटी पहुंचा, तब स्वामी उससे 4 दिन पहले फुटाफटी से बेंगलोर या वाइट बॉम्बे चले गए थे। मैं बड़ा मायूस होकर के दिल्ली लौटा। दिल्ली लौटने के बाद उस समय भी मेरी दिल्ली लौट करके मैंने फिर हमारी अगस्त में सेवा जाने को होती है, अगस्त में सेवा अनाउंस हुई। मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी उस समय, उसको 5वां 6वां महीना चल रहा था। तो हमारा, मेरे जो डॉक्टर हैं डॉक्टर विपिन सिंघल, वो भी हमारे एक साई परिवार के डॉक्टर सेवादल हैं, उनकी वाइफ गायनोलॉजिस्ट है। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मेरे को बोला कि आप अपनी वाइफ को किसी भी हालत में कहीं भी लेके नहीं जाएंगे, कोई भी स्वामी या कहीं भी कोई कहेगा तभी नहीं जाएंगे। मेरे बाबा, मेरे माता पिताओं ने तो कह दिया कि क्या बाबा बाबा के चक्कर में पड़ा हुआ, तो बाबा बाबा किसी के पास नहीं जाएगा। मैंने अंदर ही उनको कुछ रिप्लाई न दे करके स्वामी से प्रेयर करने का, स्वामी मैं आपसे प्रेयर करता हूँ, आप हमें अपने चरणों में बुलाओ, किसी भी तरह मेरे को अपने चरणों में बुला लो। ये मेरी प्रार्थना भी स्वामी ने एक बहुत बड़ा मिराकल के साथ स्वीकार की। जब हमारी अगस्त में सेवा जा रही थी, तो उस दौरान मेरे हमारे सेवा दल हैं मिस्टर मूर्ति, वो जा रहे थे। उन्होंने बोला, राजी मैं 4-5 दिन पहले जा रहा हूँ। वो मेरे पिता समान हैं, उन्होंने मेरे को अपने बेटे जैसा प्यार दिया है। वो मैंने उनको एक अपना पत्र लिख करके स्वामी को दिया, स्वामी मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूँ, पर आपके ऊपर कोई लांछन ना लगाए कि मेरी पत्नी के साथ मैं फुटाफटी से पत्नी के साथ आऊं और कुछ उसके साथ कुछ हादसा हो जाए, तो सभी लोग आपके नाम को बदनाम करेंगे कि बाबा बाबा कहता रहा और तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। तो इसलिए मैं सकुशल आऊं और सकुशल जाऊं अपने घर पर सेवा करने के लिए, पर मैं सेवा में मेरे को जरूर बुला लो। उस दौरान मैंने स्वामी, वो 4 दिन पहले फुटाफटी जा रहे थे, तो मैंने उनको एक पत्र लिखा। पत्र में मैंने खुद मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कहा स्वामी को आप ये पत्र देना। यदि उन्होंने स्पष्टली बोला कि भाई स्वामी लेंगे तो मैं दे दूंगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने कहा जैसे ही स्वामी, जो स्वामी की आज्ञा हो वो करना। वो फुटाफटी पहुंचे, ये पूर्णमासी का दिन था उस दौरान, और वो स्वामी दोपहर के दर्शन के बाद, दोपहर में फुटाफटी पहुंचे, शाम को दर्शन की लाइन में बैठे, तो शाम को उन्होंने, स्वामी ने वो मेरा पत्र ले लिया। स्वामी ने पत्र लेते ही उन्होंने मेरे को वहाँ फुटाफटी से फोन किया, महेश्वरी तुम्हारा पत्र स्वामी ने ले लिया है। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा,
मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया कि मैं पुट्टाभर्ती जा रहा हूँ। मैं सीधा, मैंने पुट्टाभर्ती का टिकट मेरे पास था, मैं पुट्टाभर्ती पहुंच गया तो बाबा ने जो मैंने बाबा से कहा था, बाबा आपका नाम कहीं भी खराब नहीं होना चाहिए, वो मेरा बाबा ने नाम रखा अपना। और मेरे हम सकुशल वहां से अपने पुट्टाभर्ती सेवा करके लौटे। ये एक बहुत बड़ा हमारे साथ मिराकल था। और इसके बाद डिलीवरी, मेरे पत्नी की जो डिलीवरी हुई वो नॉर्मल हुई। इसके बाद भी आफ्टर डिलीवरी मेरी वाइफ थोड़ा सा बैक पेन से पीड़ित थी, वो उसको भी स्वामी ने ड्रीम में आकर के दो बार ड्रीम में आकर के हाथ उसके पीठ पे हाथ दे करके उस दर्द को दूर किया। जो अब मैं इस स्वामी की कथा अनंत है, मैंने हर पद पे मेरे को स्वामी ने साथ दिया। स्वामी मेरे एक मित्र के रूप में, एक मेरे माँ बाप के रूप में, एक सखा के रूप में मेरे साथ हर समय खड़े रहे। मेरे साथ स्वामी ने मेरे को शिरडी बाबा के दर्शन भी करे, साक्षात दर्शन कराए, जो कि एक छोटी सी लंबी कहानी है। स्वामी ने बिल्कुल मेरे को साक्षात देकर भी शिरडी बाबा के दर्शन कराए हैं। और स्वामी मेरे हर पल साथ रहे हैं। स्वामी मेरा पुत्र हुआ तो मेरे पुत्र भी उसका सारा स्कूल से लेकर के कॉलेज हाई स्टडी तक उसकी एजुकेशन पुट्टाभर्ती में हुई। ये सबसे मेरे बाबा की ब्लेसिंग है। मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ और मैं बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे को ये साई परिवार भी मिला है वो मेरे लिए एक परिवार ही नहीं, मेरे मैं उस शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। और बाबा की कथा को तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं भगवान ने नवदा भक्ति में एक जगह आती है कि दर्शन से भी पाप विमोचन। मैं इस लायक नहीं था कि जो स्वामी के पास जा सकूं और सेवा कर सकूं, पर स्वामी ने अपने चरणों में बुलाकर मेरे कोट कोट जन्म के पापों को धोया है। इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों, इस संगठन की बुनियाद ऐसे ही सेवा दल के सदस्य हैं, और जिस भवन की बुनियाद इतनी स्ट्रांग है उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज की युवा पीढ़ी को ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर सेवा के मार्ग पर चलना है, और जिस मार्ग पर ऐसे चिराग रोशन होंगे उस मार्ग पर कभी अंधेरा नहीं हो सकता। आइए हम इनके अनुभव से प्रेरणा लेते हुए सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ें और भगवान बाबा के बताए हुए सेवा के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाएं। दोस्तों, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा श्री सत्य साई सेवा संगठन दिल्ली NCR के स्टेट प्रेसिडेंट श्री राकेश कपूर जी का, श्री सत्य साई सेवा संगठन दिल्ली NCR के यूथ कोऑर्डिनेटर श्री साई किरण जी का, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री अनिल हांडा जी का, और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सभी समिति कन्वीनर्स का, श्री सत्य साई सेवा संगठन दिल्ली NCR की ग्राफिक और वीडियो टीम का, जिनके कारण आज हम इन महा अनुभवों से मिल सके और उनके अनुभवों को सुन सके। दोस्तों, यह थी हमारी आज की मुलाकात। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगली बार फिर हम उपस्थित होंगे एक और डिस्ट्रिक्ट के कुछ चुनिंदा सेवा दल के सदस्यों के साथ, मुलाकात करेंगे, उनके अनुभव सुनेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। सायरा।